वेलकम और वेलकम बैक। मैं हूँ परवीन और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ मीशो के वेस्टर्न वियर का टॉप, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा टॉप मैंने आपके लिए हैंड पिक किया है। और ये है टॉप, और एक आपके लिए मैंने रखा है जंपसूट भी बहुत प्यारा है। तो ज़रा भी देर ना करते हुए हॉल को शुरू करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी इमेज साथ में लगा दूँगी, और साथ ही साथ इन सब का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला टॉप। ये इमेज में तो ऑरेंज कलर का दिख रहा था, बट मुझे जो रिसीव हुआ है ये ब्राउन शेड में है, ऑरेंज तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ये वी शेप इसका नेक है, फ्रंट एंड बैक। आप इसे ऐसे ड्रॉप करके पहन सकते हैं, इस तरह से ऑफ शोल्डर, या फिर इस तरह से आप नेक अगर पहन नेक के साथ पहनना चाहते हैं तो आप शोल्डर रख सकते हैं, वरना आप ऑफ शोल्डर अगर पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से ऑफ शोल्डर या वन शोल्डर करके पहन सकते हैं। लुक वाइज तो बहुत प्यारा है ये, और आप यहाँ देख सकते हैं ये इलास्टिक लगी हुई है काफ़ी चौड़ी, इस तरह से आपको इलास्टिक इलास्टिक तो लगी है, बट ये हार्ड नहीं है, आपको हार्म नहीं करने वाली है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्ट्रेच है। और यहाँ पे साथ ही साथ इस तरह से आपको रफल मिल जाता है फ्रंट एंड बैक बोथ साइड में, आपको देख सकते हैं नेक के साथ टू लेयर्स हैं रफल्स के। ये आपको फुल स्लीव मिल जाती है, स्लीव्स पे भी आपको यहाँ पे ये रफल वाला इस तरह से लुक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है जिस वजह से ये रफल जैसा लुक हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस्ट लाइन के पास आपको इस तरह इलास्टिक यहाँ पे भी मिलती है, जो कि इस तरह से स्ट्रेचेबल है, जो कि आपकी बॉडी पे अच्छे तरह से फिट हो जाती है, फिट होती है, इस वजह से लुक इसका बहुत प्यारा आता है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, क्वालिटी वगैरह अच्छी है, इसकी फैब्रिक भी अच्छी है। इसकी प्राइस आई थिंक 465 रुपीज़ की है, तो वर्थ है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वालिटी का कोई इशू नहीं है और लुक का भी कोई इशू नहीं है, लुक वाइज भी बहुत प्यारी है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये पीच कलर की टॉप। ये जैसे रेगलाइन स्लीव होती है इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से इस तरह की कट है इसकी स्लीव्स की, और स्लीव्स इसकी आपको शॉर्ट स्लीव ही मिलती है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे इलास्टिक मिल जाती है, और यहाँ अंदर के नीचे वाला पार्ट जो होता है स्लीव्स का, इधर भी आपको इलास्टिक मिल जाती है, दोनों तरफ इलास्टिक मिल जाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे गैदर्स ऐसे बन जाते हैं यहाँ स्लीव्स के पास, ऐसे ढेर सारे गैदर्स, बहुत प्यारी लगती है। नेक आप देख रहे हैं कि राउंड शेप में बन जा रही है, और जो लेंथ है इसकी अच्छी लेंथ है, आपके कमर से नीचे तक की आती है लेंथ। साइजेस इसमें कई सारे थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मैंने लार्ज मंगाया, बट ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो आई थिंक मुझे मीडियम मंगाना चाहिए था तो मुझे फिट आती। तो क्वालिटी वगैरह अच्छी है इसकी, लाइक्रा इसकी फैब्रिक है, इसका कलर बहुत प्यारा है, तो पहनने पे बहुत प्यारा लगता है ये, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, फैब्रिक भी अच्छी है, और प्राइस इसकी आई थिंक 276 रुपीज़ है, जो कि वर्थ है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं इसे। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली टॉप। इमेज मैंने इसे देखा था, इतनी प्यारी लग रही थी, और जितनी प्यारी लग रही थी उतनी प्यारी रिसीव भी हुई है ये बहुत अच्छी लग रही है। इसका कलर मैं पिंक वाला शेड लेना चाह रही थी, बट जब तक मैंने ऑर्डर किया तब तक वो स्टॉक आउट हो चुकी थी, इस वजह से मुझे ये क्रीम वाली लेनी पड़ी, मे बी वो कुछ दिन में इन स्टॉक हो जाए। इसकी जो नेक है ये हाई नेक है, और साथ ही साथ इस तरह से जो रफल बने हुए हैं तो अच्छे लग रहे हैं, ये थोड़ी वुलन वाली लुक है। ये जो फैब्रिक है वो हल्की सी जो वुलन वाली कोरियन टॉप की जैसे होती है वही है, तो स्ट्रेचबल भी है, काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेचबल है, आपको आराम से आ जाएगी, लेंथ भी इसकी अच्छी है, ये आप थोड़ी थोड़ी विंटर में भी इसे पहनेंगे तो अच्छी लगने वाली है, बहुत प्यारी लगेगी। इसकी जो स्लीव्स है ना ये ट्रांसपेरेंट वाली फैब्रिक है, ये कौन सी फैब्रिक है मुझे नहीं पता, खादी टाइप की फैब्रिक लग रही है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, और साथ में इस तरह से अलग से फ्लावर जैसे धागे के बने हुए फ्लावर्स, ऐसे जैसे कॉटन के बने हुए फ्लावर्स इस तरह से लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है इससे लुक, इसकी स्लीव्स की वजह से इसका पूरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेचेबल वाली फैब्रिक है, ये जो ये सेंटर में जो ये फैब्रिक लगी हुई है वुलन टाइप,
वैसी ये वाली फैब्रिक उसी की है, और ऐसे ही गेदर्स जैसे नेक पे बने हुए वैसे बने हुए, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। मैंने भी बहुत खूबसूरत लगता है ये। 568 या 536 की है ये। ये भी प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ है, आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरी तरफ से इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है, प्राइस के हिसाब से अच्छी है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, और पहनने पे भी बहुत प्यारा इसका लुक आता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसे लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ एंड लास्ट है ये वाला जंप सूट। ये मैंने मंगाया है जो आर्मी वाला कलर होता है ना, डार्क ग्रीन मेहंदी वाली, वो है ये डार्क ऑलिव ग्रीन आप कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्ट्रिप लगी हुई है शोल्डर पे। आप किसी टी शर्ट के साथ पहनना चाहते तो पहन सकती हैं, वैसे भी पहनना चाहती तो पहन सकती हैं। बैक साइड में यहाँ पे आपको थोड़ी दूर इलास्टिक मिल जाती है, जिससे कि ये आपके नेक के पास अच्छे से फिट हो पाए। कमर पे आपको यहाँ ऐसे इलास्टिक मिल जाती है, ये आपके कमर पे भी अच्छे से फिट हो जाएगी। फ्रंट से आपको इस तरह से ये बटन मिल जाता है कमर तक। ये बटन ओपन करने कर सकते हैं आप आराम से, ओपनेबल है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लैप पॉकेट बनी हुई है, पॉकेट पे भी इस तरह से बटन लगे हुए, दोनों साइड में ऐसे पॉकेट है दोनों साइड, और बैक साइड में भी आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है इधर और इधर दोनों तरफ, और फ्रंट पे भी आपको पॉकेट मिल जाती है, साइड पॉकेट यहाँ पे और यहाँ पे। लेंथ वगैरह इसकी अच्छी है, मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है तो ये मुझे लंबी आ रही है, मुझे नीचे से फोल्ड करनी पड़ रही है। आई थिंक आपकी हाइट अगर ज़्यादा है तो भी आपको ये अच्छे से फिट हो जाएगी। ये है 583 रुपीज़ की। क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है, फैब्रिक आप कॉटन है, कपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ख़राबी नहीं है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी इसकी ठीक है। इस प्राइस में अगर आपको 583 रुपीज़ में अगर आपको इस पूरा जंप सूट मिल जाता है तो बहुत ही वर्थ है, और बहुत प्यारा लगता है ये पहनने पे। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये, आप इसे ले सकते हैं। तो आज मैंने जो भी आपको जितने में प्रोडक्ट्स दिखाया वो सारे के सारे कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, किसी की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, और प्राइस वगैरह भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था आज का हॉल। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।